हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते टाइम उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि बर्कशायर द्वारा इन्वेस्टेड कंपनीज ऑनेस्ट और टैलेंटेड मैनेजर्स द्वारा संचालित होनी चाहिए, जो उनकी नजर में एडमायरेबल और रिलायबल हो। वो कहते हैं ऐसे मैनेजर्स के साथ हम काम नहीं कर सकते जिनमें अच्छी क्वालिटी नहीं है। हमें कभी भी किसी बुरे इंसान से अच्छा सौदा नहीं मिला है। बफे जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में गहराई से छानबीन करते हैं। वो स्पेशली तीन क्वालिटीज को देखते हैं। नंबर वन, क्या कंपनी का मैनेजमेंट रैशनल है। नंबर टू, क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। नंबर थ्री, क्या वे इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव यानी संस्थागत अनिवार्यता का विरोध कर पाते हैं। तो दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये 11वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश की सबसे अच्छी, बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रूपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफे से किसी मैनेजर को मिलने वाली एप्रिसिएशन में सबसे अच्छे वर्ड्स होते हैं कि वो हमेशा ही कंपनी के मालिक की तरह सोचें और बर्ताव करें। वे मैनेजर जो कंपनी के मालिक की तरह बर्ताव करते हैं, वे मोस्टली कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू से अपना ध्यान नहीं हटाते और वे इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। बफे ऐसे मैनेजर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं जो शेयर होल्डर्स को क्लियरली सही जानकारी मुहैया करवाने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं, और जिनके पास इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव यानी कि जो दूसरे कर रहे हैं या करते आ रहे हैं उसका ब्लाइंडली फॉलोइंग नहीं करने का साहस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं रैशनैलिटी यानी तार्किकता की। किसी कंपनी में कैपिटल एलोकेशन कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे जरूरी काम है। ये इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैपिटल एलोकेशन से ही लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है। मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कंपनी की अर्निंग को कहाँ अलॉट करना है, बिजनेस में लगा देना है कि शेयर होल्डर्स में बांट देना है। बफे के अनुसार ये लॉजिकल प्रोसेस है। फॉर्च्यून मैगजीन में कैरल लूमिस ने लिखा था, रैशनैलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसके आधार पर बफे बर्कशायर को चलाते हैं, और उनके अनुसार ये ऐसी क्वालिटी है जिसे वे दूसरी कंपनीज के मैनेजमेंट में बहुत कम पाते हैं। जिन कंपनीज के पास अपनी जरूरत से ज्यादा कैश होता है उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, कंपनी में ही री इन्वेस्टमेंट करते रहना। नंबर टू, ग्रोथ के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना। और नंबर थ्री, पैसों को शेयर होल्डर्स को लौटा देना। ऐसे मोमेंट्स में बफे मैनेजमेंट द्वारा लिए गए डिसीजंस पर पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि यहीं पर मैनेजमेंट लॉजिकल या नॉन लॉजिकली बर्ताव करते हैं। जनरली जो मैनेजर एवरेज से कम प्रॉफिट के बावजूद भी री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन्हें बिलीफ होता है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है, और ये भी बिलीफ होता है कि अपने मैनेजमेंट स्किल द्वारा वे अपनी कंपनी के प्रॉफिट में सुधार ला सकते हैं। मैनेजमेंट द्वारा फ्यूचर में सुधार की भविष्यवाणी सुनकर शेयर होल्डर्स मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार इस समस्या को अनदेखा करती है तो उसका कैश रिजर्व्स बड़ी तेजी से आइडल रिसोर्स यानी निष्क्रिय संसाधन बन जाता है, और उसके शेयर्स के दामों में गिरावट आ जाती है। पुअर इकोनॉमिक रिटर्न, एक्सेस कैश और लो स्टॉक प्राइस वाली कंपनी कॉर्पोरेट रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण करंट मैनेजमेंट के लिए खतरा पैदा हो जाता है। खुद को बचाने के लिए मैनेजर अक्सर दूसरे ऑप्शन यानी किसी अच्छी कंपनी को एक्वायर करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन चुनते हैं। नए एक्विजिशन की खबर से शेयर होल्डर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और कंपनी को खरीदने की इच्छा रखने वाले डिस्करेज हो जाते हैं। पर बफे ग्रोथ के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को संदेह की नजर से देखते हैं। पहला कारण है कि ऐसी बढ़ोतरी अक्सर महंगी होती है। दूसरा कारण है कि एक बिल्कुल नई कंपनी को एक्वायर करके चलाने में एक्विजिशन करने वाली कंपनी के मैनेजमेंट से ऐसी गलतियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है जो कि शेयर होल्डर्स को महंगी पड़ती है। बफे के अनुसार जिन कंपनीज के पास कैश का एक ऐसा रिजर्व है जिसे वे री इन्वेस्ट कर एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उनके पास एक ही लॉजिकल ऑप्शन होता है, वो है उस पैसे को शेयर होल्डर्स को लौटा देना। उसके लिए दो तरीके हैं। नंबर वन, डिविडेंड जारी करना, और नंबर टू, शेयर्स को बाय बैक करना। डिविडेंड द्वारा मिले कैश से शेयर होल्डर्स उस पैसे को ज्यादा रिटर्न के लिए और कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल सौदा लगता है, और इसलिए कई लोग डिविडेंड में बढ़ोतरी को कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस का साइन मानते हैं। बफे के अनुसार ये तभी सही होता है जब इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपनी द्वारा री इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिले।
शेयर होल्डर्स को कंपनी की अर्निंग लौटाने का दूसरा तरीका है शेयर्स को बायबैक करना। लेकिन बायबैक के बारे में डिविडेंड से मिले रियल प्रॉफिट से ज्यादा मिसकंसेप्शंस पॉपुलर हैं। ये इसलिए क्योंकि कई अर्थों में शेयर्स की बायबैक का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड के कंपैरिजन में उतना डायरेक्ट, उतना इमीडिएट और उतना सीधा असर नहीं डालता। बफे मानते हैं कि जब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के शेयर्स को बायबैक करता है तो उसके दो फायदे होते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर उपलब्ध हों तो उन्हें बाय करना एक अच्छा बिजनेस सेंस होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर $50 की वैल्यू पर मिल रहे हैं लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू $100 है, तब ऐसे सिचुएशन में जब भी मैनेजमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स को बायबैक करता है तब उसे हर $1 के खर्च पर $2 की वैल्यू का शेयर मिलता है। अन्य शेयर होल्डर्स के लिए ऐसे सौदे काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा बफे के अनुसार जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव एक्टिवली मार्केट में कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो इससे शेयर होल्डर्स में ये सिग्नल जाता है कि उनके इंटरेस्ट को महत्व में रखकर ये काम किया जा रहा है, न कि किसी सेल्फिश एम्बिशन की पूर्ति के लिए। इससे मार्केट में सही सिग्नल जाता है जिससे कई ऐसे इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनीज को तलाश कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंटली शेयर होल्डर्स को दो बार प्रॉफिट मिलता है, एक बार तो तब जब बायबैक की प्रोसेस का शुरुआती दौर होता है और दूसरी बार तब जब दूसरे इन्वेस्टर्स कंपनी में अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। अब बात करते हैं स्पष्टवादिता यानी कैंडर। वॉरेन बफे ऐसे मैनेजर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जेन्युइनली जारी करते हैं, जो अपनी गलतियों को मानने का साहस रखते हैं और अपनी सक्सेस का श्रेय दूसरों के साथ बांटते हैं और अपने शेयर होल्डर्स से सच बोलते हैं। वो ऐसे मैनेजर्स की स्पेशली रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी कंपनी की रियल सिचुएशन को छिपाते नहीं है और क्लियरली कंपनी के परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव यानी संस्थागत अनिवार्यता। अगर खुद की कमियों की चर्चा करने से मैनेजमेंट को इतना प्रॉफिट मिलता है तो फिर अधिकतर एनुअल रिपोर्ट्स केवल सक्सेस का ही क्यों बखान करती हैं? अगर कैपिटल एलोकेशन इतना सरल और लॉजिकल होता है तो ज्यादातर टाइम कैपिटल का सही एलोकेशन क्यों नहीं होता? बफे ने पाया है कि इसका कारण है एक अनसीन फोर्स जिसे वो इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव कहते हैं। कंपनी के मैनेजर्स में दूसरों के कामों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो कितने भी मूर्खतापूर्ण या इरेशनल हो। ये बफे की बिजनेस करियर की सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी है। स्कूल में उन्हें पढ़ाया गया था कि एक्सपीरियंस मैनेजर ऑनेस्ट और लॉजिकल बिजनेस डिसीजन लेते हैं, जबकि रियल बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते ही उन्होंने जाना कि इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव के सामने अक्सर रेशनैलिटी खत्म हो जाती है। इतनी सारी कंपनीज और बिजनेसेस पर अपना इफेक्ट डालने वाली इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव को कौन सी चीज इंस्पायर करती है? इसका आंसर है ह्यूमन नेचर। ज्यादातर मैनेजर्स अपने इंडस्ट्रियल एरिया की दूसरी कंपनी से ऑपोजिट आउटकम से घबराते हैं, तो वो भी दूसरी कंपनीज को फॉलो करना चाहेंगे चाहे उनको ये जानकारी क्यों ना हो कि दूसरी कंपनीज द्वारा कमाया जाने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए है। बफे मानती है कि इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव का विरोध न कर पाने के कारण मैनेजर जानबूझकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनकी अनसक्सेस यानी कि फेलियर का कारण बन जाते हैं। नॉट्रे डैम के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बफे ने 37 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की लिस्ट दिखाई। उन्होंने बताया कि उस लिस्ट में शामिल हर एक कंपनी सक्सेसफुल होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होने के बावजूद अनसक्सेसफुल हो गई। उन्होंने बताया कि उस टाइम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 15 गुना बढ़ गया था और सभी कंपनीज के टॉप मैनेजर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और एम्बिशियस थे, फिर भी वो सभी कंपनीज डूब गईं। बफे कुछ पलों के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी नजरें कमरे की तरफ दौड़ाते हुए कहा, जरा सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। ऐसा दूसरी कंपनीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से हुआ। अब जानते हैं मैनेजमेंट का असेसमेंट कैसे करें। बफे मानते हैं कि मैनेजमेंट के तीन पैरामीटर्स हैं, रेशनैलिटी, कैंडोर और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लेकिन इनके बारे में जानना कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के असेसमेंट से ज्यादा कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य संख्याओं से ज्यादा जटिल होते हैं। कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लियरली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैनेजमेंट का क्लियर असेसमेंट इम्पॉसिबल है। एज अ रिजल्ट ऐसा करने की कोशिश करना भी बेकार है। अन्य लोग ये मानते हैं कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन कंपनी के परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा जैसे सेल, प्रॉफिट मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी से भी हो सकता है और इसके लिए किसी दूसरे मेजरिंग के असेसमेंट की जरूरत नहीं है। किसी कंपनी के मैनेजमेंट की जरूरी इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए बफे कुछ सुझाव देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ सालों की एनुअल रिपोर्ट्स की स्टडी करना और उनसे मैनेजमेंट की फ्यूचर की स्ट्रेटेजी के बारे में जानना, फिर पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स को देखना और ये जानने की कोशिश करना कि कंपनी अपने प्लान्स में कितनी सफल हो रही है। कंपनी के पास्ट के प्लान्स को प्रेजेंट के प्लान से कंपेयर करके देखना कि मैनेजमेंट की सोच किस तरह से बदली है। बफे का मानना है कि जिस कंपनी की आप स्टडी कर रहे हैं
उसी एरिया की इक्वल कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट से उसकी कंपैरिजन करने से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी कंपनी के पूरी तरह समान दूसरी कंपनी खोजना हमेशा आसान नहीं होता, फिर दो कंपनीज के परफॉर्मेंस के रिलेटिव कंपैरिजन से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। लेकिन केवल मैनेजमेंट की क्वालिटी ही बफे का ध्यान किसी कंपनी की ओर अट्रैक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। चाहे किसी भी कंपनी के मैनेजर कितनी भी स्किल्ड क्यों ना हो, बफे कभी भी केवल व्यक्तियों में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सीमा के बाद सर्वश्रेष्ठ मैनेजर भी किसी संकटग्रस्त कंपनी को नहीं बचा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप इन सभी महान मैनेजर्स को किसी घोड़े के चाबुक बनाने वाली कंपनी में मैनेजमेंट करने के लिए भेज दें तो ये लोग कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक बाय कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताओ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो कीजिए, और ऐसी काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या एंजल ब्रोकिंग से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।